हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालोजी। आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मीटर ब्रिज, या इसका दूसरा नेम है बेटा स्लाइड वायर ब्रिज। ये टॉपिक थ्योरी में भी आता है आपके पास और साथ ही साथ प्रैक्टिकल का भी टॉपिक है ये। क्लियर है बेटा? तो आज इस टॉपिक को हम काफी अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं कि मीटर ब्रिज है क्या। ये एक डिवाइस है बेटा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसको हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? एक ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से हम किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब वो एक वायर भी हो सकती है या पर्टिकुलर कोई भी एक रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें किसी मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तब हम यूज कर सकते हैं किसका, दैट इज मीटर ब्रिज का। क्लियर है बेटा? तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये बेटा है क्या वैसे? दरअसल आपने जो वीट स्टोन ब्रिज पढ़ा है ना, उसी की एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। क्लियर है बेटा? वीट स्टोन ब्रिज आप पढ़ चुके हो, उसी की एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, जिसको आज हम समझेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है बेटा? देखिए, आपने पढ़ा है कि जब वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, तब एक कंडीशन आती है पी बाय क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस। क्लियर? तो देखिए, ऐसे कुछ हमारे पास क्या था, चार रेजिस्टेंस थे यहां पर, तो कुछ इस तरीके से बेटा हमारे पास जो है रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे। बीच में क्या था, एक गैल्वेनोमीटर। एक रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया था पी क्यू आर एस। क्लियर है ना? ऐसा ही कुछ सिस्टम था हमारे पास। यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड थी जिसकी ईएमएफ ई। क्लियर? तो यहां पर जब अगर आई जी जीरो हो गया, मान लीजिए इसके अंदर करंट कितना हो गया, जीरो, तब पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस होता था ना। तो यही हमारा ये जो बैक कंडीशन है ना, यही हमारा मेन प्रिंसिपल है किसका, मीटर ब्रिज का। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर होगी, इसका काम करने का प्रिंसिपल क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, यही इसका प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल के तौर पर इसका काम करता है। मतलब इसी पे इसकी जो है वर्किंग बेस्ड है। क्लियर? तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, प्रिंसिपल क्लियर होगी, अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन और ये कैसे काम करता है, क्लियर, वो सब समझेंगे। पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा देखिए, ये है हमारा मीटर ब्रिज। क्लियर है? देखने में कुछ ऐसा दिखता है हमारा मीटर ब्रिज। अब देखिए आप जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहां पर कनेक्टेड है। देखिए, ये जो स्ट्रिप है ये मेटल की बनी होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं मेनली ज्यादातर यूज किया जाएगा थिक कॉपर की स्ट्रिप। क्या है ये? थिक कॉपर की स्ट्रिप्स हैं। ऐसे ही ये भी है और ऐसे ये यहां पर है, और इनके बीच में बेटा यहां से ए से सी तक एक वायर है। ए से सी तक क्या कनेक्टेड है, एक वायर कनेक्टेड है। तो यहां पर आप लिख सकते हो ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी इज अ वायर। ए सी क्या है अपने पास, एक वायर जो कि कितनी लेंथ की है बेटा, दैट इज 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? ए से सी तक एक वायर है हमारे पास, जो कि कितनी लेंथ की है, 100 सेंटीमीटर लेंथ की एक वायर है। और ये वायर बेटा 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर लॉन्ग वायर भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, बात तो वही है ना, 100 सेंटीमीटर लगा लो या 1 मीटर बोल लो, क्योंकि 1 मीटर लेंथ है, इसीलिए इसका नेम क्या है, मीटर ब्रिज। क्लियर है? 1 मीटर लॉन्ग एलोए वायर। अब मतलब ये जो किस मटेरियल की बनी हुई है बेटा, एलोए की बनी हुई है। अब ये एलोए कौन सा है? क्लियर? मैंने क्या बताया, ये वायर जो है किस मटेरियल की बनी है, एलोए की बनी है। एलोए कौन सा? एलोए तो बहुत सारे हैं ना, मेनली जो हम बेटा यूज करते हैं दैट इज मैंगनीन। क्लियर? मैंगनीन या फिर कॉन्स्टेंटन। तो
इन एलॉयज की बेटा वायर होती है ये बनी हुई, ये हमने सिंपल कंडक्टर की वायर क्यों नहीं ली, जैसे कॉपर या कोई और मेटल की वायर भी हो सकती थी। हमने क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि ये जो वायर है यहां पर ए से सी के बीच में, ये एलोए की वायर ही क्यों ली, या कौन से एलोए की वायर है ये, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि ये एलोए की ही क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मान लीजिए हमने इस सर्किट इसको कनेक्ट कर दिया सर्किट में, यहां पर एक मेटल की वायर लगा दी सपोज, ठीक है, जैसे हमारा सर्किट ऑन होगा तो क्या होगा, टाइम के जैसे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है मेटल्स का, क्लियर। और जैसे जैसे मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा विद द टाइम, क्लियर है। तो टाइम के साथ क्योंकि टेम्परेचर बढ़ सकता है और टेम्परेचर बढ़ने से इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, इसीलिए हमने इस वायर को किस मटेरियल का बना दिया, एलोए का। एलोए कौन सी, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन, क्लियर। और क्योंकि ये अब एलोए की बनी है इसीलिए इसका टेम्परेचर जो सॉरी रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, एलोए का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, क्लियर है बेटा। इन दो कॉपर की स्ट्रिप्स के बीच में, मोटी कॉपर की स्ट्रिप है ये, इनके बीच में एक वायर कनेक्टेड है, 1 मीटर लॉन्ग वायर है या 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, जो कि किसकी बनी हुई है, एलोए की। एलोए कौन सा, मैंगनीन होगा या फिर कॉन्स्टेंटन होगा, क्लियर है बेटा। अच्छा देखिए आप, जो यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है, क्या काम करता है ये रेजिस्टेंस बॉक्स, यहां से हमें कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होगी, यानी कि ये आर क्या है, एक नॉन रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता है, हमें गिवन होगी, क्लियर। और एक ये एस है बेटा हमारे पास, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है एस की वैल्यू, क्लियर है बेटा। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया। अच्छा अब देखिए आप, बीच में एक जो पॉइंट डी है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, किसके साथ कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर को फर्दर जोड़ दिया गया है एक जॉकी के साथ, ये जो एरो के साइन से मैंने बनाई है ये क्या है, जॉकी, और ये देखने में कैसी होती है ये आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हो, क्लियर है बेटा, समझ में आया जॉकी क्या है। अब देखिए जॉकी वैसे मैं बता देता हूं आपको होता क्या है, ये दिखने में कैसी है वो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। अब जॉकी देखिए बेटा, इट इज अ मेटलिक रोड, एक तरह से मेटल की रोड है जिसका की जो कि आगे से सामने से कैसी है, थोड़ी शार्प है, ताकि हम उसको वायर के ऊपर स्लाइड कर सके, क्या कर सके, इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सके, हैविंग शार्प एज लाइक नाइफ, जैसे कि चाकू की होती है, क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई। ये यहां पर कनेक्शन ए को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ जिसकी ईएमएफ है ई, और इसको फर्दर कनेक्ट किया है इस पॉइंट सी के साथ, और ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन थी कि इसमें क्या है क्या नहीं, आपको समझ में आ गया, ये कोई ज्यादा रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियरली यहां से दिख रहा है। जो अगर बाय चांस आपसे कंस्ट्रक्शन पूछ ली जाती है, वैसे बहुत कम चांस है कि कोई पूछेगा एग्जाम में, लेकिन मान लो अगर पूछ भी ली तो आपके सामने डायग्राम है, आप ऑलरेडी यहां से देख के बता सकते हो, इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर, अननोन रेजिस्टेंस एस, क्लियर है बेटा, और एक बैटरी जिसकी ईएमएफ ई, और यहां पर एक वायर है जो कि एलोए की बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, क्योंकि इसका टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, क्लियर है, इसीलिए हमने इस वायर का यूज किया है, क्लियर है बेटा। तो चलिए जल्दी से पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बेटा अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ द मीटर ब्रिज, क्लियर है। तो मतलब कि हमारा ये जो मीटर ब्रिज है ये किस तरह से काम करता है, क्या इसकी वर्किंग है, वो अब हम समझेंगे।
देखिए ये जो जोक की जे है, मान लीजिए मैं इसको वायर के ऊपर यहां ले आता हूं, क्लियर, तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्या करेगी, उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी, गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं, मान लीजिए यहां पर सुई कुछ इस तरफ डिफ्लेक्टेड है, तो मैं जोकी को स्लाइड करता करता बेटा यहां पर ले आया, अब गैल्वेनोमीटर की सुई दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्लियर है। मैं इधर लेके आया तो मान लीजिए इस साइड डिफ्लेक्शन थी या उस साइड डिफ्लेक्शन थी, तो मैंने गैल्वेनोमीटर जोकी को मूव करता करता दूसरी तरफ ले गया, तो इसकी सुई में अभी भी डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो बीच में मैं धीरे धीरे इसको क्या करूंगा, बड़े सॉफ्ट वे में हमने जोकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाना है, क्या करवाना है, स्लाइड। तो इस तरह से स्लाइड करेंगे और हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन खत्म हो जाए, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, जिसके अंदर जब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है, क्लियर। तो हमें ऐसा वो नल पॉइंट ढूंढना है, उसको क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। बी यहां मान लीजिए पॉइंट बी है, पॉइंट हमने स्लाइड करते रहे, देखा कि जब पॉइंट बी पर हमारी जोकी आई तो बेटा इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, यानी कि इसके अंदर टोटल करंट कितना हो गया, जीरो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, तो यानी कि अब डिफ्लेक्शन नहीं रही, तो यानी कि इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जो बी पॉइंट है ना बेटा, ये हमारा नल पॉइंट है, कैसा पॉइंट है ये, दैट इज नल पॉइंट, समझ में आया बेटा, बी है नल पॉइंट। हमने जोकी को मूव करवा रहे थे, इस पॉइंट पर हमने देखा गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन है ही नहीं अब, तो इसीलिए हमारे पास बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और हमने मान लिया कि ये जो वायर ए बी है ना, इसका रेजिस्टेंस है पी, और वायर बी सी है, इसका रेजिस्टेंस मान लो क्यों, कुछ ना कुछ तो वायर होगा, वायर है हमारी, इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो ए से बी तक की वायर का रेजिस्टेंस पी मान लिया, और बी से सी तक की वायर का रेजिस्टेंस कितना मान लिया बेटा, क्यों, क्लियर। अब देखो आप, यहां एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस, यहां भी एक रेजिस्टेंस, यहां भी एक रेजिस्टेंस, वही चार रेजिस्टेंस हो गए, और बीच में क्या जुड़ गया, एक गैल्वेनोमीटर, और इससे हम क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। और क्योंकि यहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन खत्म हो चुकी है, यानी कोई करंट नहीं है, उससे क्या प्रूव होता है बेटा, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि हमारा जो ये ब्रिज है कैसा हो गया है, बैलेंस्ड हो चुका है, क्लियर। और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन होती है P by Q is equals to R by S, क्लियर है बेटा, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब बेटा मैंने क्या कहा, A से B तक वायर का रेजिस्टेंस P और B से C तक की वायर का रेजिस्टेंस Q, क्लियर। अब मान लीजिए कि सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मतलब कि मेरे पास एक वायर है, यहां टोटल कुछ भी वायर है, कोई एक वायर है, उस वायर की एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस सिग्मा है, तो एल लंबाई वाली वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ में आ गई ना। अगर आपको कोई कहे कि एक मीटर वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो 10 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आप क्या करोगे, 5 गुना 10, क्लियर। अब 1 मीटर क्या है, 1 यूनिट है, 1 मीटर का मतलब क्या है बेटा, 1 यूनिट लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस 5, ठीक है ना, तो वही तो है ये, सिग्मा को मैंने एल से, जैसे आप 5 को 10 से, मैंने वैसे यहां पर सिग्मा को एल से, यानी अगर मुझे इतनी लंबी वायर का रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं सिग्मा को एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल है, क्लियर है ना। अगर आपको यहां पे कोई डाउट आता है तो किसी भी टाइम कमेंट करके आप मुझसे यूट्यूब पे कंफर्म कर सकते हैं ये यहां पर, ठीक है। सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, और सिग्मा एल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी, और ए बी वायर का रेजिस्टेंस तो हमने पी माना था, यानी ये पी के बराबर है। और अगर मैं इसको सिग्मा को एल की बजाय 100 माइनस एल से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इस लेंथ के साथ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका रेजिस्टेंस,
दैट इज क्यू, ठीक है ना, ये वाला रेजिस्टेंस तो क्यू है और ये वाला पी है, तो ये आ गया बेटा मेरे पास पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू। दोबारा से समझो मैंने क्या बोला कि एक यूनिट लेंथ है जो वायर की, उसका रेजिस्टेंस मैंने कितना माना सिग्मा, तो इतनी लंबाई वाली वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा सिग्मा, को एल से मल्टीप्लाई कर दो, और 100 माइनस एल लेंथ की वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा सिग्मा को 100 माइनस एल से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है ना। तो ये भी रेजिस्टेंस आ गया, ये भी आ गया, ये इक्वल था पी के और ये इक्वल था क्यू के, वो हमने पुट कर दिया यहां पर, समझ में आया। अब आपको पता है पी बाय क्यू इक्वल है आर बाय एस के, तो चलिए अब देखिए बेटा आप यहां पर पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी की जगह बेटा हम लिख सकते हैं सिग्मा एल, दैट इज सिग्मा एल, और क्यू की जगह बेटा हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 100 माइनस एल, क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू द आर बाय एस। तो अब आप यहां से बेटा देख सकते हो सिग्मा से सिग्मा कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज एल अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस, क्लियर है बेटा, आ चुका है बस हमारे पास फॉर्मूला। अब ये लेंथ हमें पता होगी, एल पता है तो 100 माइनस एल भी आपको पता होगा, आर आपको ऑलरेडी पता है तो एस की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्लियर है ना। तो चलिए यहां से आप देखिए एस की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, दैट इज आर इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल, क्लियर है बेटा। तो ये निकाल ली है हमने एस की वैल्यू, दैट इज द अननोन रेजिस्टेंस, क्लियर। तो इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द मीटर ब्रिज। और इसको स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जॉकी को स्लाइड करके चेक करते हैं नल पॉइंट को, इसीलिए स्लाइड वायर ब्रिज भी इसका नेम है, क्लियर है बेटा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट एक चीज और हमसे अक्सर पूछ ली जाती है कि हम क्या इस वायर की रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी इस वायर की नहीं, यहां पर जो मान लीजिए एक मेरे पास जो भी मटेरियल मैंने लगाया यहां पर जिसका रेजिस्टेंस मैंने फाइंड आउट किया है, उसकी अगर हमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी हो तो वो भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, और इसके रेजिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया एस, तो आर की जगह यहां पर आप क्या लिख लोगे बेटा, दैट इज एस, क्लियर है। तो अब यहां से आप देखिए ए इधर आ गया एस, ए ये एल था इधर डिवाइड में आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू द रो, सो दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस रेजिस्टेंस, क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास आ चुका है, तो यानी कि मीटर ब्रिज की हेल्प से हम किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है या आपसे पूछा गया कि वायर की रेजिस्टिविटी निकालो, तो क्या करोगे, यहां पर एस की जगह पर आप एक वायर जोड़ दोगे, वायर को एस की जगह कनेक्ट कर दोगे, क्लियर है। अब उस वायर का रेजिस्टेंस निकाल लोगे आप, कितना आएगा एस आएगा, जो कि आप अभी निकाल चुके हो, तो एस की वैल्यू यहां पुट कीजिए, वायर की लेंथ कितनी है वो यहां पुट कीजिए, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वो आप निकालिए, यानी कि ये वाला एरिया, जैसे ये वायर है मान लीजिए इसका ये वाला एरिया, ये सामने वाला, क्लियर है। तो ये एरिया आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, उसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी स्क्रू गेज की हेल्प से, तो एरिया भी आ जाएगा, लेंथ आप मेजर कर सकते हो, तो आपके पास बेटा यहां पर वैल्यूज पुट करने पर रेजिस्टिविटी आप निकाल सकते हो, क्लियर है। ये बकायदा एक प्रैक्टिकल है आपके पास ये भी, क्लियर। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर सकते हो आप कि यहां पर आपने क्या नोटिस किया अभी कि हम मीटर ब्रिज की हेल्प से रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्लियर है बेटा, आपने नोट कर लिया। ठीक है बेटा, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मीटर ब्रिज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि इससे पहले एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं, हम उन न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। क्लियर है बेटा, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।